बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर आज हम लोकोमोशन इन अर्थवर्म काकरोच स्नेल स्टारफिश और स्विमिंग इन फिश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जेली फिश मोबा पैरामीशियम के हम लोकोमोशन स्टडी कर चुके हैं, सही। सो स्टार्ट फ्रॉम अर्थवर्म। अर्थवर्म जो कि एनिलिड वर्म कैटेगरी के अंदर आता है, इसका थोड़ा बहुत आपको अनाटमी का पता होना चाहिए कि लाइक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके सेंटर के अंदर एक कह लें कि सिलोम होती है या बॉडी कैविटी होती है। फिर इसके अंदर दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो अलोंग द लेंथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दो किस्म के मसल्स होंगे, एक सर्कुलर मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे कि इसके डायमीटर को चेंज करेंगे, दे चेंजेस द डायमीटर, बेसिकली वो इसके डायमीटर को चेंज करेंगे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसकी लेंथ को चेंज करेंगे। सो यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब एक्ट करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज, यानी अगर अट्रैक्ट होंगे तो लेंथ डिक्रीज होगी, सही। दे विल शॉर्टर, शॉर्ट हो जाएगी लेंथ के अंदर, और अगर एक्सटेंड करते हैं या रिलैक्स करते हैं लेंथ इंक्रीज होगी। जबकि सर्कुलर मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर कम होगा, डायमीटर डिक्रीज, अगर वो रिलैक्स करते हैं तो डायमीटर इंक्रीज होगा, सिंपल। सो अब हम देखते हैं मसल्स किस तरह मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ फेजेस उन्होंने दिखाए, मसल ये अर्थवर्म की बॉडी है, ये इसका हेड है, और इसके अंदर एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड है, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल वहां से रिलैक्स हो गए। जबकि उसी के आगे हम देखें तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिस तरह यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि अर्थवर्म की जैसे मूवमेंट होती है जस्ट लाइक अकॉर्डियन। ये आपको अकॉर्डियन की डायग्राम भी नजर आ रही है, अकॉर्डियन, ठीक है। अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कह लें कि कंप्रेस और रिलैक्स होता रहता है। सेम इसी तरह जो अर्थवर्म की बॉडी है ये भी कंप्रेस और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से कह लें कि इसके अंदर मूवमेंट बनती है, वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होती है, वेव लाइक मूवमेंट। और इसमें एक और हेल्पिंग और कह लें कि ब्रिसल्स भी कहते हैं, या बाजू का सिटाई भी कहते हैं, ठीक है। सिटाई भी बाजू का से नाम दिया जाता है, छोटे छोटे से एंकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कह लें कि एंकरिंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो उसकी बॉडी से बाहर निकल होते, जो कि जमीन पे कह रहे कि धस जाती है या जमीन पे इसको क्या कहेंगे उसे, यानी जकड़ लेती है जमीन को। यानी फॉर एग्जांपल इसका ये हेड एकदम आगे मूव होगा, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हेड आगे की तरफ मूव हुआ, किस तरह मूव होगा कि इसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल तो एकदम ये आगे की तरफ मूव होगा, उसके नेक्स्ट फेज में जब ये सिटाई या फिर ब्रिसल जोन से है वो जमीन के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके बाद ये अपोजिट काम करेगा, यानी सर्कुलर मसल को रिलैक्स कर देगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी खुद खुद आगे की तरफ घसीटी जाएगी, ठीक है। इट जस्ट कह लें कि स्लिप फॉरवर्ड, आगे की तरफ स्लिप होगी, सही। सो इस तरह ये वेव लाइक मैनर, यानी एक किस्म की वेव सी आगे बनती जाएंगी। ये आपने अक्सर देखा भी होगा बारिशों के दिनों में जो कैचवे अर्थवर्म से जमीन से बाहर निकलते हैं, तो किस तरह वो आराम आराम से जिस तरह कोई पानी की लहर आगे जा रही थी, तो उस तरह के ये मूव करते हैं। सो ये होगी मूवमेंट इन अर्थवर्म। उसके बाद हम आते हैं मूवमेंट इन काकरोच। सो काकरोच का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये लेग्स है, सही, और पहले वाली लेग जोन सी है ये पुल करती है फॉरवर्ड, पुल जनरेट करती है, पुल फॉरवर्ड, ठीक है। जबकि पीछे वाली लेग जोन सी ये पुश जनरेट करती है, पुश फॉरवर्ड, ठीक है। यानी पहले वाली टांग से काकरोच अपने जिस्म को या कह लें कि अपने बॉडी को आगे की तरफ खींचता है, जबकि पीछे से वो उसको धिक्का लगाता है, ठीक है। और जो सेंट्रल है ये इसकी डायरेक्शन को मेंटेन रखने में होती है कि अगर काकरोच ने मुड़ना है तो वो इसकी मदद से मुड़ता है, इसे यानी प्रॉप कहा जाता है बाजकत, क्योंकि ये डायरेक्शन में हेल्प करे, सो इट जस्ट लाइक अ प्रॉप, सही। सो इस तरह यानी ये तीनों पेयर, यानी एक लेफ्ट साइड पे होंगे बॉडी के, एक राइट साइड पे, तीनों लेग्स के जो पेयर है ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इसकी बड़ी स्विफ्ट किस्म की मूवमेंट होती है काकरोच,
ठीक है, बहुत तेजी से मूव करता है। क्या प्रोसेस होता है कि अगली जो सी कह रहे कि लेग्स होंगी ये कॉकरोच को आगे की तरफ पुल करेगी, जबकि पिछली लेग जो सी है वो कॉकरोच को आगे की तरफ पुश करेगी, जबकि सेंट्रल लेग जो सी वो प्रॉप के तौर पे एक्ट करेगी। प्रॉप से मुराद कि जहां पे इसने डायरेक्शन चेंज करनी होगी वो इस प्रॉप की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। ठीक है, सो इस तरह इसकी बड़ी स्विफ्ट मूवमेंट होती है, क्योंकि ये सारी जो लेग्स की पुलिंग और पुशिंग होती है बड़ी फास्टली हो रही होती है। इसके अलावा ये तो आप जानते होंगे, अक्सर आपने लाल बैग यानी कॉकरोच को उड़ते हुए भी देखा होगा कि इसके पास दो विंग्स भी होते हैं। ठीक है, प्लस ये हैव एडिशनल इसके पास क्या है, दे हैव टू विंग्स, जो कि किस में हेल्प करेंगे, जाहिर बात है फ्लाई में। सो बाज का ये कॉकरोच होता है वो उड़ भी सकते हैं, सही। सो ये हो गया, थ्री पेयर ऑफ लेग्स हैं जिसके अंदर फॉरवर्ड जो सब पेयर है वो पुल जनरेट करेगा, जो पिछला पेयर है ठीक है यानी पोस्टीरियर पेयर ये पुश जनरेट करेगा, सेंट्रल जो से वो प्रॉप के तौर पर यानी पोजीशनिंग के तौर पर हेल्प करेंगी, जिसके ऊपर क्या लेंगे बॉडी को सहारा मिलेगा और पोजीशन चेंज करेगा। और इसके अलावा इसके पास दो विंग्स हैं जिसके जरिए फ्लाई कर सकता है। ये होगी लोकोमोशन इन कॉकरोच, सिंपल। सो दैट वाज लोकोमोशन इन कॉकरोच, आप लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं, लोकोमोशन इन कॉकरोच। अक्सर किचन में देखा होगा आप। सो आगे हम चलते हैं, लोकोमोशन इन स्नेल, ये आपको स्नेल नजर आ रही है। सो लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल जो है बहुत आहिस्ता मूव करती है, जिस तरह कैचुआ मूव करता है। कैचुआ तो फिर भी यानी अर्थवर्म तो फिर भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, इसकी बहुत कम स्पीड होती है, सही। सो बड़े आराम आराम से मूव करता है और इसके पीछे मस्कुलर फीट होता है, सही। ये जो सर इसके मस्कुलर से मस्कुलर मसल्स फीट कहते हैं, मसल फीट के पाँव नहीं होता लेकिन पाँव की तरह काम करता है, क्योंकि ये इसको आगे की तरफ घसीटता है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे क्रॉलिंग, कि ये आस्ते आस्ते रिंग रिंग के चलता है। जैसा अक्सर स्नेल गार्डन स्नेल में या आपको आगे पीछे दरख्तों के ऊपर स्नेल मूवमेंट करती हुई नजर आएगी, तो बहुत आराम आराम से ये मूव करती है, सही। और इसे आप क्रॉलिंग कहेंगे, और इसके अंदर जो इसे मदद करता है इसके जो मसल फुट होगा, फीट नहीं है सॉरी, फुट, क्योंकि सिंगल होता है तो ये फुट होगा, से मसल फुट के जरिए क्रॉलिंग करती है, सही। नेक्स्ट आता है हमारा लोकोमोशन इन स्टारफिश, लोकोमोशन इन स्टार फिश। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टारफिश आपको नजर आ रही है। तो इसके अंदर जो सब बेसिक कह लें कंपोनेंट है जो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है, ट्यूब फीट, ठीक है, यानी जो लोकोमोशन इन कह लें कि जो स्टारफिश को मेनली लोकोमोट करता है वो उसके ट्यूब फीट्स होते हैं। ट्यूब फीट, फीट ऑलरेडी जमा है सॉरी। सो ट्यूब फीट है, तो ट्यूब फीट आपको ये नजर भी आ रहे होंगे, लाइक दिस ट्यूब फीट। होता क्या है कि जो इसकी बॉडी होती है स्टारफिश की बॉडी, ये अपने वाटर जो है इन फीट्स के अंदर इंटरक्रॉस, जिसकी वजह से इसका ट्यूब का जो सब पोर्शन होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मसल ये आपको ट्यूब फीट नजर आ रहे हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, वाटर इंटर कराया जाता है, जिसकी वजह से ये आगे से ओपन हो जाते हैं, और एक दफा जब ये आगे जाके किसी से चिपक चिपक जाते हैं, सही, यानी जब कुछ आगे सॉलिड सर्फेस आएगी उसके साथ ये इस तरह चिपक जाएंगे, लाइक दिस स्टोन आता है या आगे कोई ग्लास मटेरियल है या जो भी मटेरियल, उसके साथ चिपक जाएंगे। उसके बाद उसको यानी पूरी स्टार फिश की जो बॉडी है वो उस तरफ अट्रैक्ट होगी, एक तरफ उस तरफ उसे खींचेंगे, यानी क्या होगा कि वाटर जो सा है यानी H2O जो सा है वो पंप होगा, H2O इज पंप्ड इनटू ट्यूब फीट, ठीक है, फिर दे गेट अटैच्ड ट्यूब फीट, उसके बाद अटैच सरफेस हो जाएगी, किसी भी सरफेस से वो अटैच हो जाएंगे। फिर इसकी जो आर्म्स हैं, आर्म्स आर शॉर्टन्ड, कि वो जो आर्म जो भी अटैच हुई है वो क्योंकि छोटी हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी ड्यू टू मसल्स, मसल्स खींचेंगे जाहिर बात है शॉर्टर हो जाएंगे, एंड पुलिंग बॉडी टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिस सरफेस की तरफ, जिस ऑब्जेक्ट की तरफ उन्होंने अटैच किया उसी की तरफ पुलिंग द बॉडी, बॉडी को वो पुलिंग करेंगे, पुलिंग द बॉडी, बॉडी को पुल करके उस तरफ ले जाएंगे। सो इस तरह इसकी ट्यूब फीट के जरिए मूवमेंट होती है। इसके अलावा इसकी आर्म्स जो होती है, यानी आपको पांच आर्म्स होती है स्टारफिश में मेल, सो ये आर्म्स भी इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज करने में और फिर बैलेंसिंग के अंदर से हेल्प करती है, सही।
अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वैसे वो वर्टिब्रेट से लिंक है, फॉर एग्जाम्पल फिशेज लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, यानी लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स का पता होना चाहिए जिनके अंदर क्या होता है बोला वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लोकोमोशन वर्टिब्रेट विच कंटेन वर्टिब्रल कॉलम। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, मतलब फिशेज है, फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, फिर बर्ड्स भी आते हैं, फिर मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग जिसकी एग्जाम्पल है। सो ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। तो हमने फिलहाल जो है फिशेज की लोकोमोशन को स्टडी करना है। वेरी सिंपल कि फिशेज जो से वो स्विम करती है, फिशेज स्विम, फिशेज स्विम इन वाटर। कि फिशेज वाटर के अंदर स्विम करती है। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर के अंदर ये स्विम किस तरह करती है, तो आपको डायग्राम में सारा नजर आ रहा होगा, लाइक ये एक फिश है, सो इट प्रोड्यूस एस शेप रिगलिंग, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे एस शेप रिगलिंग अपनी बॉडी को अंदर फड़क सी कह लें कि लचक की वजह से ना ये अपनी जो टेल है इसको मूव करती है, ठीक है, दे लाइक मूव लेफ्ट फिर मिडल फिर राइट, इसी तरह दोबारा लेफ्ट मिडल राइट, तो इस तरह वो पीछे से टेल को अपनी मूव करती है, जिस वजह से इसको एक फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलती है। सो यानी जो टेल की मूवमेंट है, ठीक है, लैशिंग मूवमेंट कह लें या रिगलिंग मूवमेंट कह लें, जिस वजह से टेल पीछे से मूव करती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सो उसके वजह से जो फिश की बॉडी है इसको एक पुश रिसीव होगा, ठीक है, इट विल रिसीव अ पुश, ठीक है, और ये पुश कहाँ से आएगा, पीछे बैक टेल से, यानी अगर आप खुद अंदाजा लगाएं, और जब आप तैरते हैं पाँव पाँव आप पानी पे मारते हैं, ठीक है, पानी में मारने से क्या बनाते हैं कि आप पाँव को हिलाते हैं, जिस वजह से आप आगे तरफ मूव करते हैं। फिशेज में भी ये हिसाब है कि वो पीछे से अपनी टेल्स हिलाती है और फिर उसकी वजह से उनके अंदर पुश जनरेट होता है और फिशेज आगे मूव करती है, सो इस तरह इसकी रिगलिंग मूवमेंट होती है, एस शेप रिगलिंग मूवमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो टेल है वो यानी इसको पुश या स्विमिंग में हेल्प कर रही है, सो फिन्स किस लिए आते हैं, साइड फिन्स जो होते हैं ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, फिन्स प्रोवाइड बैलेंस, कि ये डायरेक्शन को भी कह सकते हो बैलेंस प्लस डायरेक्शन, कि अगर फिश ने यानी मछली ने किसी तरफ मुड़ना है तो वो फिन्स की मदद लेगा, यानी फिन्स को इस तरह कह रहे हैं कि तरतीब देगा जिस तरह मुड़ना चाहता है उस तरह वो मुड़ सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए दो किस्म के होते हैं, एक डॉर्सल है और एक वेंट्रल है, आपको नजर आ रहे हैं दो किस्म के फिन्स होते हैं, जो कि एक बॉडी के डॉर्सल साइड पे नहीं ऊपर नीचे लगे होंगे, एक वेंट्रल साइड पे जो साइड्स पे होते हैं, ठीक है, वेंट्रल साइड्स पे फिन्स मौजूद होंगे। तो वेंट्रल साइड जो है ये कह लें कि हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग और डायरेक्शन को मेंटेन करेगा, जबकि जो डॉर्सल साइड पे है ये वर्टिकल बैलेंसिंग और डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा फिशेज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जिस वजह से इनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, लाइक इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन से क्या बनाते हैं, लाइक अगर पानी की लेयर इनके ऊपर पास करती है सो वो टर्बुलेंस ही नहीं होती, नहीं अपना कह लेंगे जो सीक्वेंस है वो इनके टूटता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको मिनिमम रेजिस्टेंस फोर्स यानी स्ट्रीम लाइन होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस एग्जर्ट होती है, और जो वाटर है इसके ऊपर स्टेडिली फ्लो करता है, स्टेडी फ्लो से मुराद कि टर्बुलेंसी कोई रुकावट बीच में नहीं आती, जिसकी वजह से इनके मिनिमम रेजिस्टेंस और फास्ट स्पीड आ जाती है। इसके अलावा ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इसकी बॉडी को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है, यानी मॉइस्ट मॉइस्ट आउटर सरफेस, कि आउटर सरफेस जो होती है वो मॉइस्ट होती है, यानी चिकनी सी होती है, जिससे जिसे आप कहेंगे जिसकी वजह से इसको मिनिमम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है, ठीक है, क्या आप जो ग्लैंड्स हैं वो भी कुछ सेक्रेशंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, यानी ऑयली सेक्रेशंस होती है, बेसिकली ऑयल ऑयल सेक्रेशंस होती है, स्पेलिंग चेक कर लेना, ऐसी सी है सेक्रेशंस है, और प्लस म्यूकस होती है, म्यूकस क्रिशन होते हैं जिसकी वजह से कह लेंगे इनकी जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, ये सारे जो हेल्प करते हैं टू रिड्यूस टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, के जो फ्रिक्शन है पानी के बहाव के दौरान जो फ्रिक्शन से
फेस होती है जिसका सामना करता है उसको कम से कम किया जाए। सो ये होगी स्विमिंग इन फिशेज। अब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे शुरू से। सबसे पहले हमने लोकोमोशन अर्थवर्म स्टडी किया, तो उसके लिए हमने कहा जी के दो किस्म के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, जो किसके हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और अकॉर्डिंग लाइक अकॉर्डियन जिस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी तरह की इसकी मूवमेंट होती है। और फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ी कि मसल ये जब फर्स्ट स्टेज है जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो बॉडी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। और फिर इसके जो सिटाई हैं या फिर जो ब्रिसल्स हैं ये अटैच होंगे सरफेस के साथ, फिर जो सर्कुलर मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पिछली वाली बॉडी को आगे की तरफ घसीटेंगे, तो इस तरह एक वेव सी जनरेट होती जाएगी और ये वेव आपको फील भी होंगी आगे मूव होती हुई। उसके बाद हमने लोकोमोशन इन काक्रोच स्टडी किया, ठीक है। काक्रोच में थ्री पेयर ऑफ लेग्स थी जिसके अंदर फॉरवर्ड जो सी लेग का पेयर था वो पुल जनरेट करता है, बॉडी को आगे की तरफ खींचता है, जो हाइंड लेग्स थी यानी पीछे वाली लेग्स थी वो पुश जनरेट करेंगी, ठीक है, ये आगे की तरफ बॉडी को आगे की तरफ पुश प्रोवाइड करेगा। बीच में जो सेंट्रल पेयर था वो प्रॉप के तौर पर यानी बॉडी पोजिशनिंग या बॉडी बॉडी बैलेंस के तौर पर यूज होता है, और इसकी मूवमेंट बहुत स्विफ्ट होती है, बहुत तेजी से मूव करता है, और इसके पास दो विंग्स होते हैं इजाफी जिसके जरिए से ये फ्लाई कर सकता है, ये लोकोमोशन काक्रोच। फिर हमने स्नेल की बात की कि स्नेल जो है इसके पास मसल फीट होते हैं जिसके जरिए मसल फुट होता है सॉरी जिसके वजह से क्रॉल करता है, बड़े आहिस्ते आहिस्ते इसकी क्रॉलिंग हो रही होती है। देन वी कम टू द स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हमने ट्यूब फीट का प्रोसीजर क्या होता है कि ट्यूब फीट के अंदर वाटर पंप किया जाता है जिसके जरिए से आगे इसकी जो ओपनिंग है वो सही कह लें कि ओपनिंग क्लियरली ओपन होती है, और फिर वो अटैच होते हैं किसी न किसी सरफेस के साथ जिसके साथ इन्होंने फॉर एग्जाम्पल अब ये कोई रॉक है उसके साथ ये अटैच होंगे। अटैच होने के बाद जो आर्म्स है वो शार्टन हो जाएंगी, ठीक है, कि आर्म उस तरफ बॉडी को खींचेंगी, ठीक है, पुलिंग द बॉडी टूवर्ड्स द अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट जिस सर्फेस के साथ अटैचमेंट है जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट है उसकी तरफ इसे खींचेंगी। सो इस तरह ट्यूब फीट इसकी कह लें कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसकी जो ये कह लें कि विंग्स हैं, ठीक है, फाइव विंग्स हैं, सो ये भी इसको हेल्प करते हैं कि बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, बॉडी की स्विमिंग में थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। फिर वर्टिब्रेट्स की बात की हमने, तो वर्टिब्रेट्स में सिर्फ फिशेज को आज हमने डिस्कस किया। फिशेज में क्या था कि बेसिकली जो टेल जो है वो मूवमेंट की वजह से पुश जनरेट करती है जिसकी वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, तो मेन जो पुश जनरेट है या मेन जो मोमेंटम जो जनरेट करेगी वो टेल है, टेल अपने पीछे लैशिंग मूवमेंट होती है जिसके जरिए से ये आगे पुश जनरेट करती है। इसके अलावा इसके फिन्स होते हैं जो कि बैलेंसिंग के अंदर और डायरेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ अडाप्टेशन हैं फिशेज की, लाइक इनकी जो बॉडी है स्ट्रीम लाइन होती है, कि इसके अलावा मॉइस्ट होती है आउटर सर्फेस ऑयल सेक्रेशन की वजह से या म्यूकस की वजह से, और ये सब फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगले चैप्टर के अंदर हम लोकोमोशन एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स के बारे में बात करेंगे।